Very good morning to all the students. I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. Today we will start with unit number 5, which is related to green skills. As the name states that it is related to our environment. हम अपने environment को कैसे protect रख सकते हैं, कौन कौन से skills की requirement है, कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वजह से हमारा जो environment है वो pollute होते जा रहा है, कौन कौन से ऐसे precautions हैं जिनको use करके हम अपने environment के लिए कुछ ना कुछ contribute कर सकते हैं. So start with introduction of green skills. The environment around us affect all aspects of our life. हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारी लाइफ को किसी न किसी तरह से अफेक्ट जरूर करता है. एंड ऑल आवर डे टू डे एक्टिविटीज आल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट. और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट पे असर करता है. दोज वो लिव इन सिटीज गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस एंड इन टर्न आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, रिवर्स, सी शोर्स एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, फ्यूल, वुड एंड फोडर एक्सेट्रा. जो लोग सिटी में रहते हैं वो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए वहां के उनकी जो सराउंडिंग्स है, उनके आसपास जो गांव है उन पर निर्भर रहते हैं. जैसे कि वो डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर रहते हैं फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड्स पे, रिवर्स पे, सी शोर्स पे, और रिसोर्सेज के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे, फ्यूल, फूड, वुड पे और फोडर एक्सेट्रा. वी यूज रिसोर्सेज फ्रॉम विच फूड इज मेड एंड वी डिपेंड ऑन द कम्युनिटी ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फॉर्म ए वेब ऑफ लाइफ. हम अपने जो रिसोर्सेज है, हम अपना खाना है जो प्राप्त करते हैं प्लांट से, एनिमल से, इसलिए हम किसी न किसी तरीके से जो लिविंग प्लांट्स है, एनिमल्स है, अपनी लाइफ के लिए उन पे डिपेंडेंट होते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स आवर एनवायरमेंट एंड आवर लीव्स डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना अराउंड अस. फ्लोरा का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो पर्टिकुलर एरिया में ही उगते हैं, लगाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे. और फौना इज रिलेटेड टू जीव जंतु. सो जो भी हमारे चारों तरफ होती है इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारी लाइफ को भी किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है. और हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वो फ्लोरा फौना पे, उन पे डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है. सिमिलरली आवर स्कूल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज द फिजिकल एंड द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट. इसी तरह से हमारे जो स्कूल का वातावरण होता है वो जो फिजिकल होता है, सोशल कल्चरल जो इन्वायरमेंट होता है वो भी अलग तरह से एक स्कूल इन्वायरमेंट होता है जो दो तरीके से होता है, एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, एक सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट होता है. द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड द स्कूल बिल्डिंग एंड क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कॉरिडोर्स, किचन, टॉयलेट्स, गार्डन एंड ऑल्सो द प्लेग्राउंड. जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है स्कूल का, उसमें इंक्लूड किया जाता है स्कूल के बिल्डिंग को, क्लासरूम्स को, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज जो होती हैं, कॉरिडोर्स को, किचन, टॉयलेट्स, गार्डन और प्लेग्राउंड जो बच्चों के लिए होता है, वो सभी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं. द सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट इज मैनिफेस्टेड बाय द स्कूल विथ क्लाइमेट टीचिंग बाय द टीचर, स्टूडेंट एक्टिविटीज, इंक्लूसिविटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, सोशल बिहेवियर, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेट्रा. जो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है स्कूल का वो डिपेंड करता है वहां पे किस तरह की टीचिंग की जा रही है, वहां का टीचिंग का क्लाइमेट कैसा है, जो टीचर्स क्या टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं, लर्निंग का क्या एटीट्यूड है, लर्निंग के प्रति क्या एटीट्यूड अपनाया जाता है वहां पे, सोशल बिहेवियर क्या है, डिसिप्लिन है या नहीं, और एक दूसरे की कास्ट, रिलीजन या ग्रीड को, बच्चों के अचीवमेंट्स को वहां पे रिस्पेक्ट की जाती है या नहीं, उस पे डिपेंड करता है स्कूल का सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट. उसके बाद नेक्स्ट आता है ओवर द इयर्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन एनवायरमेंट पोल्यूशन. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कुछ ना कुछ इन्वेंट होता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है, उससे क्या होता है जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी किसी ना किसी तरीके से पोल्यूट होता जा रहा है, प्रदूषण फैलता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल विद द एडवांट ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर वी कुड ग्रो मोर फूड बाई यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एंड यूजिंग हाइब्रिड क्रॉप्स, बट इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द इल इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल्स विच लीड टू सोयल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एग्जाम्पल के लिए जैसे अलग अलग टेक्निक्स आती जा रही हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, जिससे किसान है ज्यादा से ज्यादा फसलें उगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लाई कर सकते हैं, वो फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का, हाइब्रिड क्रॉप्स का वो यूज करते जा रहे हैं. इन सब का यूज करके फूड सप्लाई तो ग्रो होती जा रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है,
जरूरत से ज्यादा केमिकल्स यूज करने से जो मिट्टी है, सोयल है, वो भी डिग्रेड होती जा रही है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता जा रहा है। दिस थ्रेटन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, और इससे जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टेबिलिटी को भी खतरा है। वी नीड टू प्लान द मेंटेनेंस ऑफ द एरियाज इन ए सस्टेनेबल मैनर सो दैट वी कैन एंजॉय द गुड इन्वायरमेंटल क्रिएटेड बाय अस। हमें जो भी रिसोर्सेज होती हैं उसको प्लानिंग के थ्रू यूज करने की जरूरत है, सस्टेनेबल मैनर में यूज करने की जरूरत है, ताकि जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है उसे हम इंजॉय कर सके। इट मे बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डेवलपिंग इको फैशन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स और डिजाइनिंग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होम्स। और ये अचीव किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, इको फैशन डिजाइन हमें क्रिएट करना चाहिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं, सोलर पैनल्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किए जाने चाहिए, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होम्स या सस्टेनेबल होम्स का डिजाइन करना चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल मैनर में यूज कर सके। नेक्स्ट वन इज, ये तो था ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं, हम कैसे उसमें पॉल्यूट करते जा रहे हैं, क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेशन वन, दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। हमारी सोसाइटी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है। पीपल लिव टूगेदर इन विलेजेस, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज, दस फॉर्मिंग ए सोसाइटी। लोग एक साथ मिलके रहते हैं गांव में, सिटी में, स्टेट में या फिर कंट्री में, और उन सब से मिलके बनती है सोसाइटी। सोसाइटी इंटरेक्ट्स विद द इन्वायरमेंट एंड चेंजेस इट एट द सेम टाइम। सोसाइटी क्या होती है, जो बहुत सारे लोग मिलके इन्वायरमेंट में रहते हैं तो किसी न किसी तरीके से वो इन्वायरमेंट को तो अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट पे तो असर होता ही है। तो उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है, सोसाइटी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और उससे उसमें चेंजेस भी आते जा रहे हैं। द इंटरेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद द इन्वायरमेंट समटाइम्स अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। जो इंटरेक्शन होता है सोसाइटी का इन्वायरमेंट के साथ, कई बार वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है इन्वायरमेंट का उसे भी अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपल्स इंटरफेरेंस विद नेचर हैज स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है या फिर लोगों का जो इंटरफेरेंस होता है नेचर के साथ, वो किसी न किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोवाइड द गुड फॉर आवर इंक्रीजिंगली कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी, यूजेस अप लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रियल फील्ड में डेवलपमेंट होती जा रही है, एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्वेंशंस डेवलपमेंट होती जा रही है, उससे क्या जाओ, जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अगर जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो उनके लिए रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फूड सप्लाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वो फूड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है। उससे क्या है, ज्यादा अमाउंट में हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वुड है, एक्सेट्रा, और जिससे हमारे इन्वायरमेंट को किसी न किसी तरीके से नुकसान होता जा रहा है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्वालिटी। जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी एक प्रोटेक्शन प्रोविजन दिया गया है कि हमें हमारी इन्वायरमेंटल जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, जो आर्टिकल 48A है उसमें कहा गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जो हमारी स्टेट है उसे हमारे इन्वायरमेंट को, जो फॉरेस्ट लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है कंट्री की, उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं? ए रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज यूज बाय ह्यूमन बींग फॉर इट्स वेलफेयर। रिसोर्सेज को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि या तो नेचुरल रिसोर्सेज या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंसेज जो होते हैं, एनर्जी होती है या ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें इंसान अपनी लाइफ के लिए, वेलफेयर के लिए, अपने खुद के लिए, यूज के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। एवर सिंस द अर्थ वॉज इनहेबिटेड, ह्यूमन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स हैव डिपेंडेंट ऑन थिंग्स दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर टू सर्वाइव। जैसे जैसे अर्थ है, जैसे जैसे इन्वेंशन होते जा रहे हैं, जो ह्यूमन लाइफ है, किसी न किसी तरीके से जो
नेचर है उस पर डिपेंडेंट है, सर्वाइव करने के लिए निर्भर करती है. दीज थिंग्स इंक्लूड वॉटर, लैंड, सोयल्स, रॉक्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फोसाइल फ्यूल्स एंड मिनरल्स. इनमें इंक्लूड किया जाता है वॉटर को, लैंड को, जो सोयल है, रॉक्स है, फॉरेस्ट है हमारे, एनिमल्स, फोसाइल फ्यूल्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एज दे आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इन सभी को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ पे लाइफ, जीवन यापन करने के लिए एक बेसिस की तरह यूज किए जाते हैं. बेस ऑफ लाइफ है ये. वी यूज दीज रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ऑल्सो टू फंक्शन प्रॉपरली. हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सके, अपना जीवन यापन कर सके और प्रॉपरली हम फंक्शन कर सके. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, उन्हें डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है, और इनडायरेक्टली भी हम कंज्यूम करते जा रहे हैं. फॉर इंस्टेंसेज, ह्यूमन डिपेंड डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, बायोमास हेल्थ, रिक्रिएशन एंड इंक्रीज लिविंग कम्फर्ट. जैसे कि जो ह्यूमन लाइफ है वो डिपेंड करती है अपने खाने के लिए फॉरेस्ट पे, बायोमास पे, हेल्थ पे, रिक्रिएशन और इंक्रीज, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है ताकि जो उनका लिविंग कंफर्ट है, एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी सके. इसलिए वो इन सभी चीजों पे, नेचुरल चीजें जो हैं उन पे ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंट करती है. फूड सप्लाई के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, बायोमास हेल्थ पे डिपेंड करती है, रिक्रिएशन एंड इंक्रीज लिविंग कंफर्ट, ताकि वो कंफर्टेबली जीवन यापन कर सके. इनडायरेक्टली फॉरेस्ट हेल्प इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट, प्रिवेंटिंग फ्लड, स्टॉर्म प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. इनडायरेक्टली तरीके से क्या होता है, जो क्लाइमेट है, प्रिवेंटिंग फ्लड है, या फिर स्टॉर्म से, तूफान से प्रोटेक्ट करना, जो न्यूट्रिएंट्स है, साइक्लिंग है, वो हमारी इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करती है. द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स ने, लोगों ने इन्वेंट किए हैं, सिविलाइजेशन की जब ग्रोथ हुई, जब उनको डेवलप किया गया, उन सभी को आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बायोगैस है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, प्लास्टिक्स है, एक्सेट्रा. ये सभी चीजें ह्यूमन बींग्स ने इन्वेंट की है, डेवलप की है. नेचुरल रिसोर्सेज कम इन मैनी फॉर्म्स. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं, वो बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं. इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस की फॉर्म में भी आते हैं. इट मे ऑल्सो बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक भी होते हैं ये, इनऑर्गेनिक भी होते हैं. इट मे ऑल्सो बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. मेटेलिक भी इंक्लूड होते हैं इनमें रिसोर्सेज, और नॉन मेटेलिक को भी इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट वन इज लैंड रिसोर्सेज क्या होती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होती है, वॉटर रिसोर्सेज क्या होती है. फर्स्ट वन इज स्टार्ट विद लैंड रिसोर्सेज. Human being thus use land as a resource for production or as well as residence and recreation. जो human beings होते हैं, इंसान होते हैं, वो भूमि पे किसी न किसी तरीके से dependent होते हैं, ताकि वो जमीन का use करते हैं, land का use करते हैं, ताकि resources का production किया जा सके. Residence है अपने खुद के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर create करने के लिए कुछ ना कुछ, हम land resources पे dependent होते हैं. It is a finite resources which is subject to agriculture and non-agriculture uses such as infrastructure development. ये एक ऐसे resources होते हैं, land resources ऐसे resources होती है जिनका use करके हम agriculture भी कर सकते हैं और non-agriculture uses भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें infrastructure development करनी है तो भी हम land resources का use करते हैं. Next आती है forest resources. Forest resources क्या होती हैं? A forest is a natural self-sustaining community characterized by vertical structure created by presence of trees. Forest क्या होता है? एक natural self-sustaining community होती है जिसका जो structure होता है वो vertical way में होता है और वो create की जाती है presence of trees के द्वारा. अगर बहुत सारे trees available हैं तो हम उसे define कर सकते हैं कि वो एक forest है. Wood is used for making furniture, tool handles, railway sleepers, matches, plugs, breezes, boards, etc. and as a source of energy for cooking purpose and for keeping warm. जो वुड होती है, लकड़ी का यूज करके हम फर्नीचर बना सकते हैं, टूल के हैंडल्स बना सकते हैं, रेलवे स्लीपर्स बना सकते हैं, मैचेस बना सकते हैं, प्लग्स बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, पुल्स बना सकते हैं, बोर्ड्स बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम कुकिंग पर्पज के लिए या फिर अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए भी हम एनर्जी का यूज कर सकते हैं. 10
ingredients: gums, drugs, spices, insecticides, waxes, honey, horns, musk, ivory, hides, etc. are all provided by the flora and fauna of forest. जितने भी examples दिए गए हैं वो सभी provide किए जाते हैं flora और fauna के द्वारा forest में. Next one is water resources. Water resources में क्या क्या चीजें आती हैं, हम किस तरह से उनका use करते हैं. Water covers about 3/4 of earth's surface and is a necessary element for life. जैसे हम सभी को पता है human life के लिए water कितना important है. Water resources है वो अर्थ का 3/4 हिस्सा है, 3/4 सरफेस है, उसे कवर करती है और ह्यूमन लाइफ के लिए वाटर बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एंड अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स एक्सेट्रा. जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिवर्स को, लेक्स को, ओशियंस को और अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स जो होते हैं. अंडरग्राउंड हमें जो वाटर मिलता है उन सभी को इंक्लूड किया जाता है. वाटर इज अ वाइटल रिसोर्स इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड एंड रिक्रिएशनल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, हाउस होल्ड के लिए हम यूज करते हैं, रिक्रिएशनल या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए भी हम वाटर रिसोर्सेज को यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं? ए मिनरल डिपॉजिट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मटेरियल और इन और ऑन द अर्थ क्रस्ट इन सच फॉर्म एंड अमाउंट दैट इट्स एक्सट्रैक्शन एंड इट्स कन्वर्जन इनटू यूजफुल मटेरियल्स और आइटम्स आर प्रॉफिटेबल नाउ एंड मे बी सो इन द फ्यूचर. जो मिनरल्स होते हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें खाद्यान्न के द्वारा ढूंढा जाता है, उनमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को इंक्लूड किया जाता है, जो अर्थ की क्रस्ट में हमें अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी अमाउंट में हमें मिलते हैं, जिनका यूज किया जाता है, जिनको कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल मटेरियल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल आइटम्स बनाने के लिए, जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं और जिनका फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है. मिनरल्स रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड इंक्लूड मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड नॉन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल सोल्ट, जिप्सम, क्ले, सैंड, फॉस्फेट्स. सम मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल. जो मिनरल्स होते हैं उन्हें दो तरीके से डिवाइड किया जाता है मिनरल्स को. मिनरल रिसोर्सेज के अंदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आते हैं. नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिन्हें हम जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जिन्हें हम दोबारा से यूज नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन है, कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है. नॉन मेटल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट है, जिप्सम है, क्ले है, सैंड है, फॉस्फेट्स है, एक्सेट्रा. सम मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट सच एज गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड सल्फर. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें सिंगल एलिमेंट को यूज किया जाता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है या फिर सल्फर. नेक्स्ट वन इज फूड रिसोर्सेज. फूड रिसोर्सेज कौन कौन सी होती है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, जिन रिसोर्सेज को. रिसोर्सेज दैट आर यूज एज फूड और प्रोवाइड फूड फॉर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फूड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो सभी हम फूड के लिए यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, उन सभी को फूड रिसोर्सेज कहा जाता है. प्लांट सर्व्स एज फूड रिसोर्सेज फॉर हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स. जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो फूड सप्लाई देते हैं शाकाहारी लोगों को भी और सर्वाहारी जो होते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों में ही इंक्लूड किए जाते हैं सर्वाहारी को, उन दोनों को ही फूड सप्लाई प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स के द्वारा. एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म हु आर कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो फूड सप्लाई होते हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए जो मांसाहारी हैं या फिर सर्वाहारी हैं. एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ प्लांट फूड रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स. एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स होता है खाने का ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए. नेक्स्ट वन इज एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है? एन एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, पावर लाइफ, मोर ऑब्जेक्ट्स और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी रिसोर्सेज उन चीजों को कहा जाता है जिनके थ्रू हीट है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, पावर लाइफ है वो क्रिएट की जा सकती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव किया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है. उन सभी रिसोर्सेज को एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है. दे आर फाइव फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है वो फाइव तरह की होती है, फाइव फंडामेंटल होती है. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन, सोलर एनर्जी, ग्रेविटी जनरेटेड बाय द अर्थ एंड मून, न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्रिएशन, एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स.
मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज टूडे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स स्टोर सोलर एनर्जी. ज्यादातर एनर्जी जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा आती है. बट फॉसिल फ्यूल्स हैव ए डिसएडवांटेजेस इन दैट दे आर नॉन रिन्यूएबल ऑन ए ह्यूमन टाइम स्केल एंड कॉजेस अदर पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, और अगर हमें उन्हें ऐसे यूज करते रहें तो उनके खत्म होने के भी चांसेस हैं. हम उन्हें पूरी तरह से कंज्यूम कर लेंगे और साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारे पर्यावरण के लिए भी हार्मफुल होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज फॉल अंडर द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज. जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाता है. फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. The resources which cannot be exhausted by human consumption are called inexhaustible resources. वो सारी resources जो human के द्वारा, इंसानों के द्वारा exhaust नहीं की जा सकती, consume नहीं की जा सकती, उन्हें inexhaustible resources कहा जाता है. जैसे inexhaustible resources वो सारी resources होती हैं जो असीमित मात्रा में है, बहुत सारी मात्रा में है, जिन्हें human है consume नहीं कर सकते, unlimited है जो. These include energy sources like solar radiation, wind power, water power and tidal power etc. इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एनर्जी रिसोर्सेज को, जैसे सोलर रेडिएशन है जो हमें सूर्य से मिलती है वो तो अनलिमिटेड है, wind power है, water power और tidal power को इसमें इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड मात्रा में है, जिसे ह्यूमन लाइफ कंज्यूम कर सकती है. दे आर सम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस यूज. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर वो सारी रिसोर्सेज आती है जो लिमिट क्वांटिटी में है, सीमित मात्रा में है, और अगर हमें उनका लगातार यूज करते रहे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल द स्टॉक ऑफ कोल इन द अर्थ इज लिमिटेड एंड वन डे देर विल बी नो मोर कोल अवेलेबल फॉर आर यूज इफ वी कीप ऑन यूजिंग इट एक्सेसिवली. एग्जाम्पल के लिए जो कोयला है, स्टॉक है, कोयले का, कोल का स्टॉक है वो लिमिटेड है, भूमि पे लिमिटेड मात्रा में कोयला है, और अगर हम उसका ऐसे ही यूज करते रहे, जरूरत से ज्यादा यूज करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास कोयल बचेगा ही नहीं यूज करने के लिए. तो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो असीमित मात्रा में होती हैं, और एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो सीमित मात्रा में होती हैं. नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources are those that are constantly available or can be reasonably replaced or recovered, like vegetative lands. Renewable resources वो resources होती हैं जो constantly हमारे लिए available होती हैं, जैसे कि पानी है, और जिन्हें replace किया जा सकता है, या फिर अगर वो खत्म हो जाए उन्हें recover किया जा सकता है, जैसे कि vegetative land है etc. Even though some renewable resources can be replaced, they may take many years to form and that doesn't make them renewable. लेकिन कुछ ऐसी renewable resources भी होती हैं, अगर वो replace हो जाती हैं, उन्हें दोबारा से बनाने में बहुत साल लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो renewable ना बने. Some of the inexhaustible resources are naturally regenerated after consumption and are known as renewable resources. कुछ resources ऐसी भी होती हैं जो इनको हम जब consume कर लेते हैं तो उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, जिन्हें हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरली जनरेट हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट ट्रीज है एंड प्लांट्स दैट मेक ए फॉरेस्ट मे बी डिस्ट्रॉयड बट न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस. एग्जाम्पल के लिए जो फॉरेस्ट ट्री है, प्लांट्स है, अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो सेम प्लेस पे हम दोबारा भी तो लगा सकते हैं. बट इफ फॉरेस्ट इज टोटली कट डाउन टू गेट लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट इज लॉस्ट फॉर एवर. लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को, जंगलों को पूरी तरह से अगर काट देते हैं ताकि हम वहां पे बिल्डिंग बना सके, तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे, दोबारा से हम वहां पे पेड़ नहीं उगा पाएंगे. रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स यूज रिसोर्सेज दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड एंड आर यूजुअली लेस पोल्यूटिंग. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं उसमें ऐसे एनर्जी सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है, उन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है जिन्हें कॉन्स्टेंटली लगातार रिप्लेस किया जा सकता है, और जो पोल्यूशन भी नहीं फैलाती हैं, लेस पोल्यूटिंग होती हैं. एग्जांपल्स इंक्लूड हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ. जियोथर्मल वो एनर्जी होती है जो अर्थ से
इंक्रीज होती है अर्थ में, जो गर्मी पैदा होती है तब वो एनर्जी जनरेट हो जाती होती है। नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। अगर हम उनका यूज करते रहे, लगातार यूज रहे तो करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन नॉट इजिली बी रिप्लेस वंस दे आर डिस्ट्रॉयड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारी रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो। फॉर एग्जाम्पल फॉसाइल फ्यूल, एग्जाम्पल के लिए जो फॉसाइल फ्यूल होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इवन दो दे फॉर्म नेचुरली इन ए प्रोसेस कॉल द रॉक साइकिल, इट कैन टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स मेकिंग इट नॉन रिन्यूएबल। जो मिनरल्स होते हैं उन्हें भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, रॉक साइक्लिंग के थ्रू प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाने में थाउजेंड ऑफ इयर्स लग सकते हैं उन्हें नॉन रिन्यूएबल बनाने में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज इफ दे कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी नॉन रिन्यूएबल थिंग्स होते हैं, गैर नवीनीकरणीय रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें अगर वो नॉन लिविंग चीजों से हमें प्राप्त हो रही हैं तो उन्हें इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स है, वाइंड है, लैंड है, सोयल है और रॉक्स। उसके बाद दो कैटेगरी बनाई गई है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं जो लिमिटेड मात्रा में होती है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कौन कौन सी होती है जिन्हें हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोयला, कोयल। कोल इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ फ्यूल, जैसे सबसे सस्ता आता है कोल। इट इज यूज इन पावर हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड हाउसेज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ये सबसे ज्यादा पावर हाउसेज के लिए यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, घर पे कुकिंग के लिए या फिर हीटिंग के लिए कोयल यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम, इट इंक्लूड्स पेट्रोल डीजल एंड मिनरल ऑयल। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है पेट्रोल डीजल और मिनरल ऑयल को। इट इज यूज टू रन मोटर व्हीकल्स, फर्नेसेस एंड पावर हाउसेस। इनको यूज किया जाता है मेनली पेट्रोल को यूज किया जाता है मोटर व्हीकल्स को, पावर हाउसेस को, फर्नेसेस को चलाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज वाटर, ओनली अबाउट 2.5% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। धरती पे ओनली 2.5% वाटर है वो प्योर फ्रेश वाटर है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं। एनर्जी फ्रॉम रिवर्स इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो रिवर से एनर्जी आती है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एनर्जी प्रोड्यूस बाय टाइड्स इन सी एंड ओशंस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है समुद्रों के द्वारा, ओशंस के द्वारा, टाइड्स के द्वारा, जैसे टाइड्स आपने एक टर्म सुनी होगी साइंस और एसएसटी में, जवार भाटा, जब समुद्र तट से लहरें टकराती हैं उसके बाद वापस जाती हैं, उस प्रोसेस को टाइड्स कहा जाता है। तो वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सी के द्वारा, ओशंस के द्वारा, उसे भी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सन, सन्स एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम सभी जानते हैं जो सन एनर्जी है वो अनलिमिटेड मात्रा में है हमारे पास, सन की एनर्जी को भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दीज आर यूज्ड इन कैलकुलेटर, स्ट्रीट लैंप्स एंड इवन इन रूम हीटर्स एंड वाटर हीटर्स। सन एनर्जी है उसे यूज किया जाता है कैलकुलेटर्स में, स्ट्रीट लैंप्स में और रूम हीटर और वाटर हीटर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम गैस। एलपीजी इज यूज फॉर कुकिंग एंड ऑल्सो फॉर लर्निंग व्हीकल्स। जैसे एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को यूज किया जाता है कुकिंग के लिए और व्हीकल्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस, इट इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर बोरिड अंडर लेक्स एंड ओशंस। इट इज फाउंड अबोव द ऑयल इन द ऑयल वेल्स, कंप्रेस नेचुरली गैस। सीएनजी इज यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स। जो नेचुरल गैस होती है, जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिन्हें जमीन में या फिर ओशंस में दबा दिया जाता है, उनके थ्रू ये गैस जनरेट होती है। सीएनजी का मेनली यूज किया जाता है व्हीकल्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू अस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर एनर्जी इज बिकमिंग ए कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट हैज अ डेंजर ऑफ कॉजिंग ग्रेट हार्म इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो हमारे पास अवेलेबल होती है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू हमें अवेलेबल होती है, हमें मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी आजकल सबसे ज्यादा कॉमन एनर्जी बनती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है, लेकिन इससे मेजर हार्म भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स,
The earth contains minerals like गोल्ड, बॉक्साइट, माइक, आयरन ऑयल एंड मेनी अदर्स. जैसे अर्थ के अंदर धरती में बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं. दे आर रिड्यूसिंग एज लार्ज एंड डीपर माइंस आर बींग डग टू ऑब्टेन दिस मिनरल्स. इन मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए जैसे हमें पता है खादान है वो उनकी खुदाई की जाती है बहुत ज्यादा लार्ज में, डीपर उनको खोदा जाता है तब हमें मिनरल्स मिलते हैं. माइनिंग दिस मिनरल्स कॉजेस डैमेज टू द अर्थ. हम इन मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए जो खदानों को खोदते हैं उससे हमारी जो मिट्टी है अर्थ है वो भी डैमेज होती जा रही है. ये तो थे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाइंड. द एनर्जी फ्रॉम द फोर्स ऑफ द वाइंड इज वाइंड एनर्जी. जो भी हमें विंड के थ्रू जो एनर्जी मिलती है उसे वाइंड एनर्जी कहा जाता है. दिस एनर्जी कैन बी यूज फॉर वर्क एज ग्राइंडिंग ग्रेन, पंपिंग वाटर एक्सेट्रा. दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी. इस एनर्जी का हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए, पंपिंग वाटर के लिए. इस एनर्जी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज बायोमास. एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी वेस्ट होता है प्लांट्स या एनिमल्स के द्वारा उस वेस्ट के थ्रू भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है. इट कैन बी यूज फॉर एनी हीटिंग पर्पस सच एज कुकिंग. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. इस एनर्जी का बायोमास एनर्जी का यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी या हीट जनरेट करने के लिए भी हम बायोमास का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज सोइल. सोइल क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल हेल्प्स प्लांट्स ग्रो. जो सोइल होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधों को उगने में ग्रो करने में हेल्प करते हैं. सोइल इज यूज टू प्रोवाइड शेल्टर. सोइल का यूज किया जाता है शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए. सोइल क्वालिटी गेट्स डैमेज ड्यू टू एडिशन टू हार्मफुल केमिकल्स, लैंड पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. जो सोइल है उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है हार्मफुल केमिकल्स का यूज करने की वजह से, लैंड पोल्यूशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जितनी हो रही है उनकी वजह से, और ट्रीज को पेड़ों को काटने की वजह से जो सोइल है वो डैमेज होती जा रही है. नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर नेसेसरी टू पर्स इकोलॉजी. हमारे इकोलॉजी सिस्टम को सुरक्षित बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी है. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्लीन एयर एंड अट्रैक्टिंग रेन क्लाउड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें साफ हवा प्रोवाइड करने में. इसके अलावा रेन को भी अट्रैक्ट करने के लिए, रेन जो क्लाउड्स होते हैं बारिश वाले बादल होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने में फॉरेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड द वुड, फ्रूट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स विच हैव मेडिसिनल वैल्यू. इसके अलावा ये हमें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से, प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. इसके अलावा दवाइयां बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, पौधे जो यूज किए जाते हैं वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं. ट्रेडिशनल सोसाइटी हैड ए स्मॉल पॉपुलेशन रिक्वायर्ड लेस रिसोर्सेज. जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वहां पे जनसंख्या है वो स्मॉल है. अगर जनसंख्या कम होगी तो रिसोर्सेज का भी कम यूज होगा. दे कुड प्रिजर्व दे बायोडाइवर्सिटी एज ए लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज. इसलिए वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. बट टूडे विद द इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म एंड अफ्लुएंट सोसाइटीज रिसोर्सेज आर गेटिंग रैपिडली डेप्लेटेड इवन टू द एक्सटेंट ऑफ लीडिंग टू द irrecoverable loss due to extinction of several plant and animal species. लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जा रहे हैं रिसोर्सेज को, जो सोसाइटी है वो अफेक्ट करती जा रही है. रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगर इसी तरह से यूज करते रहे तो वो इस तरह से उन्हें लॉस हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज को कि उन्हें हम रिकवर भी नहीं कर सकते हैं. सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज विच कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट आर ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड ऑफ रिसोर्सेज, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंसान जो जो काम करता है जिनकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान होता है उनमें इंक्लूड किया जाता है जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करना, उनको यूज करना, पोल्यूशन फैलाना, पेड़ों को काटना, नेचुरल जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना, कंस्ट्रक्शन करना. इन सभी से हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डैमेज होते जा रही है, हमारे एनवायरमेंट है उसे नुकसान हो रहा है. Let us now discuss how some of these activities are damaging our earth and environment. अब discuss करते हैं ये सभी activities हमारे earth को और हमारे environment को कैसे damage कर रही है. First one is over exploitation. This result when harvesting of resources exceed the reproduction or replenishment.
इससे क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, हार्वेस्टिंग जो होती है, पेड़ों को काटा जाता है, उससे रिसोर्सेज क्या है, उनका प्रोडक्शन दोबारा से नहीं हो पाएगा, हम उन्हें एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. इट मींस दैट व्हेन वी एक्सप्लॉइट द स्पेसिस फास्टर देन नेचुरल पॉपुलेशन कैन रिकवर देन इट मे रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पेसिस दस अफेक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसका मतलब क्या है, अगर हम जो स्पेसिस होती है उन्हें हम नेचुरली उन्हें करने की बजाय अगर हम खुद से उन्हें एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, तो उससे रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेसिस हैं, उन पे असर डाल रहे हैं, अफेक्ट करते जा रहे हैं. द इकोलॉजिकल साइकिल ओ एंड आवर इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स, एक्सेसिव ग्रेजिंग एंड पैस्चर्स बाय एनिमल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाटर एक्वायर्स, ओवर फिशिंग, ओवर हीटिंग, हंटिंग रिजल्ट इन ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट्स. जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि वो मेडिकल जो प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे पौधे होते हैं जो दवाइयां बनाने के लिए यूज होते हैं, उन्हें रिमूव किया जा रहा है. इसके अलावा जो एनिमल्स के लिए जो प्लांट्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जो जमीन के अंदर वाटर एक्वायर फायर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ओवर जरूरत से ज्यादा फिशिंग की जा रही है, जरूरत से ज्यादा ओवर हंटिंग की जा रही है. इनसे रिजल्ट क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है वो एक्सप्लोइट होते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो खत्म होती जा रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें डैमेज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज माइनिंग. माइनिंग क्या होता है, माइनिंग किसे कहा जाता है, खादान को कहा जाता है. माइंस आर डग बिलो द अर्थ सर्फेस टू गेट ओर्स, जो भी मिनरल्स प्राप्त करने के लिए भूमि को खोदा जाता है, माइंस किया जाता है, खादानों को खोदा जाता है, वो माइनिंग होती है. उससे क्या मिलता है, हमें ओर्स मिलते हैं. द ओर्स आर देन रिफाइंड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल एलिमेंट्स सच एज मेटल्स, जेम्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. सम ऑफ द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग इंक्लूड्स इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड सर्फेस वाटर बाय केमिकल्स फॉर्म ऑफ माइनिंग प्रोसेस. उसके बाद जो माइनिंग की प्रोसेस होती है, जैसे रिफाइन किया जाता है, जो भी हमें ओर्स मिलते हैं उनको रिफाइन किया जाता है ताकि हमें वैल्यूएबल एलिमेंट्स मिल सके, जैसे कि मेटल्स है, जेम्स है, मिनरल्स है. इससे क्या होता है, इसके लिए खादानों को और ज्यादा खोदा जाता है, सिंक होल्स का यूज किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस होती जा रही है, इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो प्रदूषित होती जा रही है, ग्राउंड वाटर है वो अफेक्ट हो रहा है, सरफेस वाटर है, केमिकल्स का यूज करने के लिए माइनिंग का की प्रोसेस करने की वजह से जो वाटर है सरफेस में, जितना वाटर है अर्थ में जो अवेलेबल है, उसे भी नुकसान हो रहा है. नेक्स्ट वन इज डीफोरेस्टेशन. डीफोरेस्टेशन क्या होता है, जो पेड़ों को काटा जा रहा है. इट इज द क्लियरेंस ऑफ ए फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज वेयर द लैंड इज कन्वर्टेड टू ए नॉन फॉरेस्ट यूज सच एज एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. इट मे ऑल्सो लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज. जो डीफोरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और वो पेड़ों को काट के वहां पे दोबारा से पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं. पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, ताकि नॉन फॉरेस्ट यूज किया जा सके, एग्रीकल्चर के लिए उस जमीन को यूज किया जा सके, या फिर हाउसेस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है. उससे रिजल्ट क्या होता है, जो नेचुरल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें तो नुकसान होता ही है, और इसके साथ ही साथ हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स और एनिमल्स से मिल सकती हैं, वो भी लॉस होती जा रही है, उनको भी डैमेज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज पोल्यूशन. दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड पोल्यूर, मीनिंग टू सोइल और डिफाइल, कॉन्टामिनेट. जो वर्ड पोल्यूशन है ये लेटिन भाषा से लिया गया है, पोल्यूर वर्ड से लिया गया है. इसका मीनिंग होता है सोइल और डिफाइल. डिफाइल का मतलब है अशुद्ध करना. पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स व्हिच मे बी सोलिड, लिक्विड और गैसेस इन नेचर. पोल्यूशन किससे होता है, पोल्यूटेंट से, जो प्रदूषक तत्व होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और नेचर में गैस भी हो सकते हैं. पोल्यूशन इज द अफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. पोल्यूशन किसका रिजल्ट होता है, जो जिन चेंजेस की हमें जरूरत नहीं है, जो अनडिजायरेबल है चेंजेस, लेकिन फिर भी हमारे चारों तरफ वो चेंजेस किए जा रहे हैं, जिनसे एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, या फिर ह्यूमन बींग्स है, उन्हें नुकसान हो रहा है. पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी विच हैव ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट. जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं, वे ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान जो काम करते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं. जैसे उनसे क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.
For example, factories consume a lot of water and electricity and release harmful chemicals in air, land and water, thus contaminating the atmosphere. Example के लिए जो factories होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को consume करती है, electricity बहुत वहां पे लगती है और वो harmful chemicals को generate करती है हवा में, land में और water में, और जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा atmosphere है, हमारा वातावरण है, वो प्रदूषित होता जा रहा है. वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज कैन बी द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम. जो वाटर पॉल्यूशन है, पानी जो प्रदूषित हो रहा है फैक्ट्रीज की वजह से या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज की वजह से, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है. दे ऑल्सो पोल्यूट द एयर थ्रू फॉसिल फ्यूल एमिशन. जो फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है उससे हमारी हवा भी प्रदूषित होती जा रही है. दीज एमिशंस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स. इनमें इंक्लूड किया जाता है जो एमिशंस किए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का या नाइट्रस ऑक्साइड का, उससे जो ह्यूमन लाइफ है उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो पोल्यूट होती जा रही है. जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, प्रदूषक जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज पोल्यूटेंट दैट कैन डीकम्पोज. एक ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिन्हें डीकम्पोज हो जाते हैं जो अपने आप से, एंड पोल्यूटेंट दैट कैन नॉट डीकम्पोज, जिन्हें डीकम्पोज नहीं किया जा सकता. पोल्यूटेंट दैट ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर हार्मफुल सब्सटेंसेज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. ऐसे पोल्यूटेंट्स जो आसानी से बिना कोई नुकसान पहुंचाए नेचुरल प्राकृतिक तरीके से अपने आप ही डीकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. वो नमी के द्वारा या बैक्टीरिया की वजह से अपने आप ही डीकम्पोज हो जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, पेपर है, वुड है, कैटल डंग है, एग्रीकल्चर वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्म एक्सेट्रा. ये सभी चीजें अपने आप से डीकम्पोज हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं. नेक्स्ट इज पोल्यूटेंट दैट कैन नॉट डीकम्पोज. पोल्यूटेंट्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. ऐसे पोल्यूटेंट जो अपने आप से सिंपली या हार्मफुल सब्सटेंसेज के थ्रू डिग्रेड नहीं होते हैं, उन्हें नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. इनसे क्या होता है, द हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय दीज पोल्यूटेंट्स विल बी देयर फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स. इनका जो इफेक्ट होता है, इन पोल्यूटेंट का असर थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक भी खत्म नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, केमिकल्स लाइक मर्करी और लीड, एल्यूमिनियम गैस, ग्लास एक्सेट्रा. जैसे प्लास्टिक के बारे में हम सभी को पता है, प्लास्टिक को अगर 100 साल के लिए भी आप जमीन में दबा देते हो, प्लास्टिक वैसी ही रहती है, वो डीकम्पोज नहीं होती है और बहुत हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. सम ऑफ द अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट आर एज फॉलो. कुछ और फैक्टर हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम व्हीकल पोल्यूट्स द एयर. जो धुआं निकलता है व्हीकल से वो हमारी हवा को पोल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर लाइक इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स अफेक्ट द alkalinity of the soils or the soil pH. It adversely affect the health of microorganism and other organism in the soil. जो केमिकल्स का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए, जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का यूज होता जा रहा है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना, फर्टिलाइजर्स का यूज करना, उससे जो जमीन का पीएच लेवल है वो अफेक्ट हो रहा है और इससे जो ह्यूमन लाइफ है, नॉन ऑर्गेनिज्म लाइफ है, उन दोनों को ही नुकसान हो रहा है. प्लास्टिक वेस्ट लाइक बॉटल्स, बैग्स एक्स्ट्रा थ्रोन ऑन द लैंड और सी पोल्यूट द वाटर एंड डिस्ट्रॉय द फ्लोरा एंड फौना. जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल है, जैसे बॉटल्स है या फिर प्लास्टिक बैग्स है, अगर हम उसे ऐसे ही लैंड पे फेंक देते हैं या फिर पानी में उनको फेंक देते हैं, बहा देते हैं, तो उससे जो फ्लोरा और फौना है, जो पौधे हैं या फिर जीव जंतु है, उन्हें नुकसान हो रहा है. फ्लोरा और फौना दोनों ही लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है. डेंजरस गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और सीएफसीज, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा रिलीज इनटू एयर. इसके साथ साथ जो खतरनाक गैसें हैं, जैसे सीएफसी है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको भी हवा में रिलीज किया जाता है, जिनकी वजह से जो हमारी हवा है वो भी प्रदूषित होती जा रही है.
The various types of pollution are summarized as, कुछ अलग अलग तरह के जो पॉल्यूशन होते हैं अलग अलग टाइप्स के उन्हें समराइज किया गया है टेबल के थ्रू. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज व्हाट इट इज, होते क्या है, लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है. डैमेज टू द लैंड बिकॉज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इज नोन एज लैंड पॉल्यूशन. जो जमीन है उसे नुकसान हो जाना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस के द्वारा उसे लैंड पोल्यूशन कहा जाता है, जिनकी वजह से लैंड पोल्यूट हो जाती है. नेक्स्ट वन इज वाटर पोल्यूशन. एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस रिजल्टिंग वाटर पोल्यूशन. अगर हम हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनसे बीमारियां बैक्टीरिया फैलते हैं, अगर हम उन्हें नदियों में, लेक्स में, ओशन में अगर उन्हें बहा देते हैं तो उनकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट होते जा रहा है. नेक्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन. एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन. अगर हम हार्मफुल गैसेस हैं या पार्टिकल्स हैं उन गैसेस के, अगर हम उन्हें हवा में छोड़ देते हैं तो उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन. अगर लैंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है या फिर एयर पोल्यूशन, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है. सॉरी, लैंड पोल्यूशन से क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं जैसे कि डीसेनेटरी है, क्लोरा है या फिर टाइफाइड है. अगर लैंड पोल्यूशन होएगा बैक्टीरिया फैलेंगे, बैक्टीरिया फैलेंगे तो बीमारियां पैदा होंगी. इसके अलावा हमारे यूज के लिए जो लैंड है वो कम रह जाएगी, घर बनाने के लिए जमीन है वो कम रह जाएगी, फॉरेस्ट डैमेज हो जाएंगे, फॉरेस्ट नहीं बचेंगे. अगर वाटर पॉल्यूशन होगा उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी जैसे कि डाइसेंट्री है, डायरिया है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है एक्सेट्रा. इसके अलावा जो लोकल अर्निंग है वाटर के थ्रू जो मिलती है लोकल अर्निंग, जैसे टूरिज्म है, फिशिंग है एक्सेट्रा, वो उन पे भी असर पड़ेगा. जैसे अगर समुद्र में हम वेस्ट मटेरियल बहा देंगे तो जो बीच लाइफ है जहां से उसकी वजह से जो लोगों की अर्निंग होती है, लोगों की कमाई होती है, वो नहीं हो पाएगी. उसके अलावा हमें पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर कम रह जाएगा हमारे लिए. अगर एयर पोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम आएगी और इससे कैंसर्स भी हो सकता है. इसके अलावा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, फेमिनेंस हो सकता है, फ्लड आ सकता है. What does it happen? Why does it happen? ये ऐसा होता क्यों है, लैंड पोल्यूशन क्यों होता है, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, एयर पोल्यूशन क्यों होता है. लैंड पोल्यूशन किस वजह से होता है, फॉरेस्ट को काटने की वजह से, पेस्टिसाइड, कीटनाशक या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज करने से, माइनिंग और हैवी कंस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन या फिर खदानों को खोदने से, सीवेज वाटर है, टॉयलेट वेस्ट है या घर से जो वेस्ट चीजें होती हैं फैक्ट्री से या फिर केमिकल वेस्ट है वो रिलीज करने देने में, अगर हम लैंड में उनको रिलीज कर देते हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है, अगर हम वेस्ट चीजें हैं वो पानी में बहा देते हैं, सीवियर लाइन्स है उनका अगर लीकेज हो रहा है. इसके अलावा वेस्ट मार्टर वाटर है जैसे हाउसेस है, फार्म से या फैक्ट्रीज से जो रिलीज होता है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. इसके अलावा जो ऑयल है अगर एक्सीडेंटली उनका लीकेज हो जाता है, शिप से लीकेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन कैसे होता है. फ्यूल्स को जलाने से, ट्रैफिक के स्मोक से होता है, वेस्ट मटेरियल को बर्न करने से, क्रॉप्स को बर्न करने से, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करने से, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम जब चलता है वहां से जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रिवेंट इट. आप इसे से बच कैसे सकते हैं, इसे हम बचा कैसे सकते हैं. रिड्यूस वेस्ट, जितना हो सके हमें वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करते जाना है. वेस्ट मटेरियल है उसे अलग अलग करना है हमें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके अपनाने हैं, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का यूज करना है. उसके बाद वाटर पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में नहीं बहाना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए. इसके अलावा केमिकल्स हैं, मेडिसिन ऑयल्स हैं, उन्हें भी हमें नहीं बहाना चाहिए, थ्रो आउट नहीं करना चाहिए वाटर में. पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए. हमें जो सीवेज वाटर है या फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए और पानी को वाइजली हमें यूज करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन को हम कैसे बचा सकते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें यूज करनी चाहिए एनर्जी की. पोल्यूटिंग व्हीकल्स को अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से ऐसे व्हीकल जिनसे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिनसे एयर पोल्यूट होती है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा दूसरों को भी हमें रोकना चाहिए ताकि वो वेस्ट मटेरियल को ना चलाएं. जो क्रॉप्स हैं, जो
फसलें हैं बच गई हैं, लेफ्ट ओवर बची हुई फसलें, उनको ना जलाएं। पेस्टिसाइड, कीटनाशक या फर्टिलाइजर्स का वो यूज ना करें, हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि उनसे हार्मफुल गैसेस ना निकले और हमारी एयर पोल्यूशन, हमारी हवा जो है वो पोल्यूट ना हो। इफ वी सेपरेट ऑल आवर वेस्ट बिफोर थ्रोइंग इट अवे, इट विल हेल्प अस मिनिमाइज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इन ए बेटर मैनर। अगर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हम फेंकने से पहले अगर उसे अलग अलग से मैनेज कर लेते हैं तो हम कुछ हद तक पोल्यूशन से बच सकते हैं, पोल्यूट होने से हमारे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कीप ऑल योर वेजिटेबल वेस्ट कवर्ड इन सॉइल एंड सम वीक्स, इट विल मेक द सॉइल फर्टाइल एंड यू विल हैव लेस वेस्ट टू थ्रो अवे। एग्जाम्पल के लिए, जितना भी वेजिटेबल वेस्ट होता है, जब सब्जी आप काटते हैं जो कुछ वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, अगर आप कुछ हफ्तों के लिए उसे मिट्टी में ही कवर कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भूमि है वो उपजाऊ बन जाती है और आपके लिए वेस्ट मटेरियल फेंकने के लिए बचेगा भी नहीं, कम बचेगा। ऑल्सो हार्मफुल वेस्टेज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वॉटर बिफोर इट मिक्सेस इन टू आर ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा हमें पानी में भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी वो चीजें मिक्स हो जाती हैं। इसलिए हमें जो हार्मफुल वेस्ट है उन्हें फेंकने से पहले अलग अलग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? हैव यू एवर सेट इन ए कार और बस विच हैज बीन पार्क्ड इन एन ओपन एरिया अंडर द सन With windows closed for a long time. क्या आप कभी भी ऐसे बस या ऐसे व्हीकल में बैठे हो जो एक पार्क में, एक ओपन स्पेस में सन में खड़ी है और जिसकी खिड़कियां है वो भी बंद है? Have you felt that it is much hotter inside a closed vehicle because the heated air is blocked inside? क्या आपने महसूस किया है कि वो इतनी गर्म हो जाती है, अंदर ही कितनी गर्म हो जाती है लॉक होने के बावजूद भी? सिमिलरली द अर्थ इज बिकमिंग हॉटर बिकॉज ऑफ बर्निंग फॉसाइल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। दीज गैसेज ट्रैप एंड प्रिवेंट द अर्थ इज हीट फ्रॉम एस्केपिंग, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी तरह से भूमि में जो जो मिट्टी है, अर्थ है, वो भी इतनी ज्यादा गर्म हो रही है फॉसाइल फ्यूल को जलाने से। जैसे कि फॉसाइल फ्यूल में इंक्लूड किया जाता है कोल है, पेट्रोल है या डीजल है, जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो जो अर्थ है वो भी हीट, उसे हीट मिलती है, वो और ज्यादा गर्म होती जा रही है। और इन गैसेस से क्या हो रहा है, जो अर्थ है ओवर हीट होती जा रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। फॉरेस्ट आर द मेन मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट है वो मेन चीज है जिनका यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन या ऑक्सीजन है, उनका मैकेनिज्म कर सकते हैं। हमें फॉरेस्ट, जितने हम फॉरेस्ट हम काटते हैं हमें उन्हें रिकवर करना चाहिए, उतने ज्यादा नए पौधे पेड़ हमें लगाने चाहिए। हमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसेस है, उन्हें रिलीज करने से पहले सोचना चाहिए कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सम ग्रीन हाउस गैसेस ओकर नेचुरली एंड एंटर द एटमोस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ बोथ नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो दोनों के तरीके से होता है, एटमोसफेयर में रिजल्ट हमें मिलता है, जो नेचुरल प्रोसेस होती है जैसे डीकम्पोजिशन होना, ऑर्गेनिक मैटर होना, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है जैसे कि फॉसाइल फ्यूल को जलाना या एग्रीकल्चर करना, उन दोनों से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन गैसेस दैट ऑकर बोथ नेचुरली एंड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैव असेंशियल नॉन नेचुरल रिसोर्सेज बट आर द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मैन्युफैक्चर फॉर ह्यूमन पर्पजेस सच एज क्लीनिंग एजेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इसके अलावा जो ग्रीन गैसेस होती हैं जिनके अंदर नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि वाटर वेपर है, CO2 है, CH4 है, N2O है, ओजोन है, ये इन सभी को इंक्लूड किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होती है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, या फिर ह्यूमन एक्शंस हैं जैसे कि क्लीनिंग करना, रेफ्रिजरेंट करना, या फिर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, इनको यूज करना। दिस इंक्लूड द फ्लोरिनेटेड गैसेस। इनके अंदर गैसेस होते हैं जैसे CFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्नो टू मेल्ट वेरी फास्ट। इससे क्या हो रहा है, जो स्नो है वो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बर्निंग ऑयल, कोल गैस है फॉर एनर्जी यूज इज अ सीरियस प्रॉब्लम
एज इट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, गैसेस को जलाया जाता है जैसे कि ऑयल है, कोल है या गैसेस है एनर्जी के लिए, इससे एनवायरमेंटल को बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर हैज इंक्रीज बाय 31% सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, कॉजिंग मोर हीट टू द ट्रैप्ड इन द लोअर एटमोसफियर। एज अ रिजल्ट देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड चेंजेस इन क्लाइमेट एज वेल एज डैमेज टू क्रॉप्स एंड एनिमल लाइफ। इसके अलावा जो गैसों को जलाया जाता है एटमोसफियर में, कार्बन डाइऑक्साइड 31% अगर उससे जलाई जा रही है तो उससे एटमोसफियर पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एटमोसफियर है वो डैमेज होता जा रहा है। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी वजह से फ्लड आ सकता है, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, एनिमल लाइफ है, क्रॉप्स है, उनको बहुत ज्यादा डैमेज होता है। नेक्स्ट वन इज हार्मफुल रेडिएशन। जो रेडिएशन निकलती है उनसे हमारे एटमोसफियर को कितना नुकसान होता है। यू माइट बी नोइंग दैट द एटमोसफियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस इज डन बाय द लेयर ऑल अराउंड द अर्थ इन द एटमोसफियर कॉल्ड द ओजोन लेयर। इट इज मेड ऑफ ए गैस कॉल्ड ओजोन। जैसे हम सभी जानते हैं जो हमारा एटमोसफियर है, हमारा वातावरण है, वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से, जो सूर्य से हार्मफुल रेडिएशन आती है, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। और इसकी सुरक्षा करने के लिए अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनाई गई है एटमॉस्फेयर के द्वारा ही, उस लेयर को ओजोन लेयर कहा जाता है, जो कि ओजोन गैस के द्वारा बनती है। दिस लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। ये जो ओजोन लेयर होती है ये हमें बचाती है हार्मफुल रेडिएशन से जो सूरज से निकलती है। लेकिन जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर को का यूज करते हैं कूल करने के लिए, या फिर एसी एयर कंडीशन का हम यूज करते हैं, तो उनसे क्या होता है, ऐसी गैसेस, ऐसी सब्सटेंसेस निकलती हैं, रिलीज होती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो वातावरण में मिलता है, जिसकी वजह से ओजोन जो लेयर है उसमें होल होते जा रहे हैं, और जिससे जो हार्मफुल केमिकल की वजह से जो ओजोन लेयर है उस पे अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से रेडिएशन है वो हमारे पास आ रही है, और जिसकी वजह से स्किन कैंसर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ डिसऑर्डर्स है, वो होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन आज नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक आ जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, स्टॉर्म एक्सेट्रा, जो हमारे ह्यूमन एक्शंस हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करना, बहुत ज्यादा यूज करना, ताकि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर पुल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, समटाइम्स इनकी वजह से जो नेचुरल क्लाइमिटीज है, डिजास्टर्स है, वो भी आ जाती है, नेचुरल आपदाएं हो जाती हैं। सेविंग द एनवायरमेंट, व्हाट कैन यू डू। आप अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। टू सेव आवर एनवायरमेंट वी नीड टू एजुकेट पीपल। अगर हम अपने वातावरण को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एजुकेशन। हमें लोगों को शिक्षित करना होगा। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट गिव पीपल द नॉलेज एंड स्किल दैट दे नीड टू परफॉर्म। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लोगों को नॉलेज मिलती है, इससे उनको स्किल मिलती है जिनका वो यूज कर सकते हैं। एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एनवायरमेंट, थ्रू द एनवायरमेंट एंड फॉर द एनवायरमेंट विल इनलाइटन देम इन यूटिलाइजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर सेविंग द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एजुकेशन हमारी हेल्प करती है एनवायरमेंट को बचाने में। हम एनवायरमेंट को के थ्रू एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, नॉलेज जो है, उन नॉलेज और स्किल्स का यूज करके हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनके हमारे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, एनवायरमेंटल के बारे में हमें लर्न करना पड़ेगा। लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट फोकस मेनली ऑन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड रिलेटेड इश्यूज। लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट का मतलब है हमारे जो सराउंडिंग है, हमारे जो एनवायरमेंट है, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना, उसे समझना कि हमारी सराउंडिंग्स क्या है, हमारे चारों तरफ किस तरह का एनवायरमेंट है, और उसके से रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, दैट इज अबाउट लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन इज लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के थ्रू हम कैसे सीख सकते हैं। लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय बीइंग एंगेज्ड विद एनवायरमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। लर्निंग एनवायरमेंट का मतलब होता है एनवायरमेंट में रह के, एंगेज रह के, बिजी रह के एनवायरमेंट में, इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम कुछ ना कुछ सीखना।
इट फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, इसमें फोकस किया जाता है लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, जैसे कि ऑब्जर्व करना, जो हम देखते हैं उसके थ्रू हम सीखते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना, कोई भी काम करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एन एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट एंड लर्निंग, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज करना, एक्सपोजर करना, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना जिनसे आप सीख सकते हो। द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट प्रोवाइड द रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एस्थेटिक एप्रिसिएशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू लर्निंग। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हो इन्वायरमेंट को, इससे आपको आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग आप ले सकते हैं। इन्वायरमेंट डैमेज कैन बी मिनिमाइज बाई डेवलपिंग द स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर्ड फॉर एफिशियंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ग्रीन हाउस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज एंड इंटीग्रेटिंग दीज इंटू आवर बिजनेस एंड डेली एक्टिविटीज। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट में रह के सीखने की कोशिश करते हैं, इससे हमें क्या होती है, जो रिसोर्सेज होती हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, ग्रीन प्रोसेस के बारे में हम नॉलेज मिलते हैं। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि हम कैसे हम बिजनेस में उनका यूज कर सकते हैं, हम अपनी डेली एक्टिविटीज में कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज इज लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए सीखना। लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फॉर्म्ड रिसोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट का मतलब है हमें अपनी इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा, डेवलपमेंट करनी होगी ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। उसके बाद थ्री आरिस को एक्सप्लेन किया गया है, दैट वन इज रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब क्या है, जिन चीजों का हम जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं हमें उस यूज को रिड्यूस करना होगा, हमें उन चीजों को रियूज करना होगा जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज रिसाइकिल, हमें जो चीजें हम यूज करते हैं उन्हें रिसाइकिलिंग करते रहना चाहिए। दीज आर द थ्री आर्स विच यू कैन अप्लाई फॉर सेविंग द एनवायरमेंट, रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकिल। आप थ्री आर्स का यूज करके भी आपने एनवायरमेंट को बचा सकते हो, वो थ्री आर्स हैं, रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकिल। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट, जो मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट है उसका ये मेन कॉन्सेप्ट है थ्री आर्स। फर्स्ट वन इज रिड्यूस, डू नॉट यूज व्हाट यू डू नॉट नीड, जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उनका यूज नहीं करना चाहिए। If we reduce at resource, such as lesser chances of waste generation and the pressure of our already stretched natural resources is reduced. अगर हम जिन चीजों का की हमें जरूरत नहीं है उनका जो यूज हम करते हैं अगर वो हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो इसकी वजह से जो हम यूज करते हैं उन चीजों से जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी कम हो जाएगा अगर हम यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे जो प्रेशर पड़ता है यूज करने से वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ अननेसेसरी आइटम्स बाय शॉपिंग, बाय आइटम्स विद मिनिमल पैकेजिंग, अवॉइड बाइंग डिस्पोजेबल आइटम्स एंड ऑल्सो अवॉइड आइसक्रीम फॉर प्लास्टिक कैरी बैग्स। एज ए रिस्पॉन्सिबल, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हो, एज ए इंडिविजुअल अगर आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो, तो जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक तो जो अननेसेसरी आइटम्स है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, कई बार हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं, उन चीजों को परचेज करना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए डिस्पोजेबल आइटम्स जो होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। हमेशा ऐसे आइटम्स को लेने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें पैकेजिंग करने में जिन्हें पैकेजिंग की जरूरत ना हो। इसके अलावा कभी भी प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए नहीं पूछना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यू कैन कैरी योर जूट बैग और रीयूजेबल क्लॉथ। आप घर से अपना बैग लेके जा सकते हैं, ऐसा बैग ले सकते हैं जिसे दोबारा से यूज किया जा सके, कपड़े का या फिर जूट बैग का आपको यूज करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स के यूज को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रीयूज, अभी तक तो हमने क्या रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रीयूज, रीयूज द मटेरियल फॉर अदर पर्पसेस सच एज मेकिंग पिलो कवर्स और रैग्स आउट ऑफ यूज शर्ट्स और लेडीज सूट्स। जितना भी मटेरियल हमारे पास होता है कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा से उसको यूज कर सकें किसी ना किसी पर्पज के लिए। एग्जाम्पल के लिए जो लेडीज सूट है या शर्ट्स है जिनका हम अभी यूज नहीं करते हैं, तो उनसे हम पिलो कवर बना सकते हैं या फिर रैग्स बनाने में उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग इज रीयूजिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट दैट मे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू।
रीसाइक्लिंग का मतलब होता है कुछ कंपोनेंट्स का यूज करना, वेस्ट मटेरियल का यूज करना जिनसे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हमें मिलती हो। रीसाइक्लिंग हैज रियली विजिबल बेनिफिट्स सच एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडक्शन इन एनर्जी यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन लेवल्स। रीसाइक्लिंग का मतलब होता है जो विजिबल बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं रीसाइक्लिंग से जो विजिबल होते हैं, जिन्हें हम इजिली देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो एनर्जी है रिड्यूस की जा सकती है, रीयूज कर सकते हैं हम एनर्जी को, दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, या फिर पोल्यूशन लेवल है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। सम मेटीरियल सच एज एल्यूमिनियम एंड स्टील कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स। कुछ मेटीरियल जैसे कि एल्यूमिनियम है या स्टील है उसे हम बहुत बार रिसाइकिल कर सकते हैं। मेटल, पेपर, ग्लास एंड प्लास्टिक आर रिसाइकिलेबल। इसके अलावा जो मेटल होते हैं, पेपर होता है, या फिर ग्लास, प्लास्टिक है, वो सारे आइटम्स भी रिसाइकिलेबल होते हैं, उन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक आइटम्स आर रिसाइकल इंटू न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। जितने भी प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनका दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है ताकि नए प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाए जा सके। किचन वेट मेस्ट कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक कंपोस्ट दैट कैन बी यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके अलावा रसोई से जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसे हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक ऑर्गेनिक खाद हम बना सकें। टू डू दिस एवरी हाउस शुड सेग्रीगेट द वेस्ट इंटू वेट एंड ड्राई गार्बेज। इसीलिए हर एक हाउस मेंबर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसे अलग अलग करके रखे, सूखा कूड़ा है उसे अलग रखे और गीले कूड़े को अलग रखे। वेट गार्बेज इंक्लूड्स मोस्ट किचन वेयर्स विच कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्ट। जितना भी गीला गार्बेज होता है जो किचन से निकलता है उन सब का यूज किया जा सकता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, नेचुरल खाद बनाने के लिए। मोस्ट ड्राई गार्बेज इज रिसाइकिलेबल। मोस्टली जितना भी सूखा गार्बेज होता है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। सेवरल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैव रिसेंटली बीन मेड टू रिकवर मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनका इन्वेंशन किया गया है ताकि इंडस्ट्रियल जितना वेस्ट निकलता है उसे दोबारा से रिकवर किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट शुड बी प्रॉपरली सेग्रीगेट एंड डिस्पोज ऑन इन लैंडफिल्स दैट आर properly sealed to avoid leakage and contamination of surrounding land and groundwater. इसके अलावा जो non-toxic solid waste होता है उसे proper तरीके से dispose कर देना चाहिए lands में, या फिर properly उनको seal कर देना चाहिए ताकि भूमि को कोई भी leakage ना हो, प्रदूषित होने के कोई chances ना रहे भूमि या फिर water के। Examples of reduce, reuse and recycle. उसके बाद examples दिए गए हैं। First one is reduce, use less things. हमें चीजों को कम इस्तेमाल करना चाहिए। Paper for each notebook means cutting down of a tree. हम अगर notebook के लिए एक paper भी use करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। Do not leave too much space while writing the text, reduce the wastage of paper. जब भी आप लिखते हैं कुछ भी नोटबुक में तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा जो वेस्ट पेजेस होते हैं उनको भी, जितने वेस्ट आप करते हैं उन्हें भी रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रीयूज, यूज थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम। कौन सी ऐसे आइटम्स हैं, आप उन्हें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ज्यादा समय के लिए यूज कर सकते हैं। यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। पेपर के दोनों तरफ के साइड्स का पेपर हमें राइटिंग के लिए यूज करना चाहिए। गिव योर ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक टू समवन हु कैन यूज देम। इसके अलावा जो आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, किसी ऐसे पर्सन को दे देनी चाहिए जो उनका दोबारा से यूज कर सके। इन दिस वे यू विल प्रमोट रीयूज ऑफ पेपर। इस तरीके से आप पेपर का दोबारा से यूज करना प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसाइकिल, यूज थिंग्स इन न्यू और डिफरेंट वेज। आपको चीजों को अलग और नई तरीके से यूज करना चाहिए। पेपर इज रिसाइकल्ड इनटू मेकिंग पेपर अगेन। पेपर को रिसाइकिल किया जाता है ताकि उसे दोबारा से पेपर बनाया जा सके। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक पेपियर मैशे विच इज कम्पोज ऑफ मेटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ पेपर पीसेस और पल्प विच इज समटाइम्स रीइंफोर्स्ड विद टेक्सटाइल्स बाउंड विद एन एडहेसिव सच एज ग्लू, स्टार्च और वॉलपेपर पेस्ट। इसके अलावा पेपर का यूज किया जाता है ताकि पेपर मैशे बनाए जा सके, जिसे बनाया जाता है मटेरियल का यूज करके, पल्प का यूज करके, कई बार कुछ टेक्सटाइल्स का भी यूज किया जाता है, एडहेसिव यूज किया जा सकता है, ग्लू का, स्टार्च का, वॉलपेपर वेस्ट का, जिससे पेपर मैशे बनाया जा सकता है। पेपर से कोई ऐसा मटेरियल बनाना जिसे बाद में सुखा के एक ऐसा ढांचा आप तैयार कर सकते हैं, बाद में उसे कलर किया जा सकता है, एक ऐसा आइटम आप बना सकते हैं पेपर के थ्रू।
जिसे पेपियर मैशी किया कहा जाता है, जैसे कि मास्क बनाया जा सकता है पेपर का यूज करके। नेक्स्ट इज एक्शंस फॉर सेविंग द एनवायरमेंट। आप अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, कैसे आप अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन, एनर्जी यूज, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट, केमिकल्स इन फूड। एयर पोल्यूशन के लिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या प्रेफर करना चाहिए। बर्निंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल बर्निंग वीट और राइस स्ट्रॉ इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्जांपल के लिए जो जितने भी हम फसलें जलाते हैं, जैसे कि चावल है या फिर वीट, जो गेहूं की जो फसलें बच जाती हैं जिन्हें हम जलाते हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग नेचुरल वेंटिलाइजेशन और फैंस इन प्लेस ऑफ एयर कंडीशन। इसके अलावा हमें नेचुरल वेंटिलेशन की जो चीजें होती हैं, जैसे कि फैंस है या फिर एयर कंडीशन की बजाय नेचुरल वेंटिलाइजेशन की जो चीजें होती हैं, उनका हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एनर्जी यूज, लीविंग इलेक्ट्रिकल लाइट्स और अप्लायंसेस ऑन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, लाइट्स है या अप्लायंसेस है, उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस एंड साइकिल्स यूजिंग सोलर और विंड एनर्जी। जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, जैसे बसेस का यूज करना चाहिए, साइकिल्स का यूज करना चाहिए, सोलर या विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन, थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर्स एंड लेक्स। कोशिश करनी चाहिए हम लेक्स या रिवर्स में कुछ भी थ्रो आउट ना करें, कुछ भी ना फेंकें। प्रेफर क्या किया गया है, यूजिंग रिसाइकल वेस्ट और वाटर हार्वेस्टेड थ्रू रेन्स फॉर वाटरिंग गार्डन प्लांट्स। इसके अलावा जितना भी वाटर ऐसा होता है, वेस्ट होता है हमारे, उसे हमें प्लांटिंग करने के लिए या गार्डन में प्लांट्स को वाटर देने के लिए यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वेस्ट है यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का यूज करना हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो वेस्ट होता है, जो हम फेंकते हैं, ऐसा वेस्ट करना चाहिए, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करना चाहिए, उसे हार्वेस्ट करना चाहिए। केमिकल्स इन फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, जो हम पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं फसलें उगाने के लिए, उनका हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें ऑर्गेनिक और जो नेचुरल केमिकल फ्री चीजें होती हैं, उनका यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट प्लांट्स, ओवर यूज ऑफ पेपर शुड बी अवॉइड। जरूर से ज्यादा अगर आप पेपर का यूज कर रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जितने भी पेपर है उनका दोबारा से रीयूज करना चाहिए, दोबारा से पेपर बनाने के लिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पेपर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वाटर, वाटर का अगर जरूरत नहीं है, जैसे टैप्स ओपन करके नहीं रखनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा यूज करना पानी का, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। रिड्यूसिंग वाटर यूज ड्यूरिंग बाथिंग और यूजिंग वाटर फिल्ड इन ए बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। जब भी हम नहाते हैं या बाथ लेते हैं तो जो वाटर है हम अगर शावर का यूज करते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हमें बकेट का यूज करना चाहिए, ताकि हम वाटर वेस्ट जो करते हैं वो हम अवॉइड कर सकें। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, विच इज एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी वन में क्या करना है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट एंड हाउ डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस आर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट। जैसे अभी तक हमने आज के सेशन से जितना कुछ भी सीखा है, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, वो कौन कौन सी चीजें, वो क्या कौन कौन से ह्यूमन एक्शंस है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, हमारे वातावरण पे असर डालते हैं। थिंक अबाउट ऑल द आर्टिकल्स यू यूज डेली दैट आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको उन सारे आर्टिकल्स के बारे में सोचना है जो आप डेली यूज करते हैं, प्लास्टिक के बने हुए यूज करते हैं, उसके बाद आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस के, जैसे हाउ प्लास्टिक इज मेड, प्लास्टिक कैसे बनता है। What are the those plastic articles you usually use? कौन कौन सी प्लास्टिक की ऐसी चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। What effect does plastic have on our environment? प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट पे कैसे असर डालता है। How can you reduce the amount of plastic you use? आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जितना प्लास्टिक आप यूज करते हैं उस अमाउंट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। What happens to plastic when you throw it away? जब आप प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो क्या होता है। डिस्कस दीज फैक्टर्स इन डिटेल, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद एक्टिविटी टू दी गई है, स्टेप्स यू कैन टेक टू सेव द एनवायरमेंट। आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, थिंक अबाउट ऑल योर डेली डे फ्रॉम टाइम यू वेकअप अंटिल द टाइम यू स्लीप। आपको सोचना है जब सुबह आप सुबह उठते हैं उससे लेके रात को जब आप सोचते हैं उससे टाइम पीरियड के बीच में आप अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप आप कर सकते हैं। राइट ए नोट ऑन द एक्शन दैट
यू वुड टेक एट होम और एट स्कूल टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज. आपको वो सभी एक्शंस लिखने हैं जो आप अपने घर पे करोगे या फिर स्कूल में करोगे इन मोमेंट को बचाने के लिए. फर्स्ट वन इज कलेक्टिंग वेस्ट पेपर एंड रीयूज व्हाट इज रीयूजेबल. वेस्ट पेपर को आप कैसे कलेक्ट करोगे या फिर रीयूज कैसे करोगे, जो जिन चीजों का रीयूजेबल है जो चीजें, आप उनका यूज दोबारा से कैसे करोगे. फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट बनाने में, पेपर मैशे बनाने में, रफ बुक नोटबुक्स बनाने में आपको बताना है. Encouraging use of both sides of paper. आप अगर encourage करना चाहते हो दूसरे लोगों को ताकि paper के दोनों sides का वो use करें, वो आप कैसे करेंगे. Discouraging wastage and casual use of paper, pencils, etc. इसके अलावा जो वेस्ट यूज किया जाता है या फिर पेपर का वेस्टेज किया जाता है, पेंसिल का वेस्टेज किया जाता है, आप उसे कैसे डिस्करेज करोगे. प्रॉपर यूज ऑफ नोटबुक एंड नोट टियरिंग आउट पेजेस. नोटबुक का प्रॉपर यूज करना और पेजेस ना फाड़ना, ये आप कैसे करेंगे. डिस्करेजिंग यूज ऑफ थ्रो अवे पेन्स एंड इनकरेजिंग यूज ऑफ रिफिलेबल आइटम. इसके अलावा जो आप पेन है वो आप फेंक देते हो, उसे डिस्करेज आप कैसे करोगे और इनकरेज कैसे करोगे दूसरों को ताकि वो रिफिलेबल आइटम्स का यूज करें. मेकिंग रफ पैड्स एंड ब्लैंक शीट्स फ्रॉम ओल्ड नोटबुक. इसके अलावा रफ पैड बनाना या फिर जो नोटबुक है उनसे, ओल्ड बुक नोटबुक है आपकी, उनसे आप ब्लैंक शीट्स कैसे बनाओगे आपको बताना है. इनके लिए आप क्या क्या स्टेप्स आप लोगे अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए. उसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज विच इज एमसीक्यू बेस्ड. चार चार ऑप्शंस दिए गए, सही ऑप्शन आपको चूज करना है. व्हाट आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस कॉज ड्यू टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो मॉडर्न मेथड का यूज करके एग्रीकल्चर के फील्ड में जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड चेंजेस होते जा रहे हैं. केमिकल पोल्यूशन ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, इंप्रूवमेंट इन द एनवायरमेंटल, लोअर एयर पोल्यूशन ड्यू टू क्रॉप्स या इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज, डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ कैन वी कंजर्व आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट. चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन. जैसे अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं तो आपको बताने कितने ऑप्शन सही है. हम अपनी हेल्थ और इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. ग्रो ऑर्गेनिक क्रॉप्स, यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मैनेज वेस्ट वाटर या फिर यूज मोर एयर कंडीशनिंग. क्वेश्चन नंबर थ्री, ए स्टील फैक्ट्री बर्न्स फायरवुड एंड चारकोल फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग द स्टील. एक स्टील की फैक्ट्री है जो फायरवुड या फिर चारकोल को हीट करती है, जलाती है ताकि हीटिंग या मेल्टिंग की प्रोसेस की जा सके. स्टील को जलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए, उसे पिघलाने के लिए यूज किया जाता है, बर्न करते हैं वो. व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट. जो वो जलाते हैं चारकोल को या फायरवुड को, उससे हमारे एनवायरमेंट को के ऊपर क्या क्या असर हो सकते हैं. अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो आपको वो सभी ऑप्शन बताने हैं. इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन, डिक्रीज इन एयर पोल्यूशन. तो आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट आर द फाइव सोर्सेस ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस. वो पांच सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन सी है जो हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल है. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सोर्स. आपको हर एक सोर्सेस का दो दो एग्जाम्पल बताने हैं. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन होने के क्या क्या सोर्सेस है, किन किन की वजह से पोल्यूशन होता है. क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर द थ्री रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आपको तीन कैटेगरी में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें कैटेगराइज करना है. जैसे एयर है, आयरन है, सैंड है, पेट्रोलियम, विंड, क्ले, फिश, फॉरेस्ट, गोल्ड या फिर पियर्स. आपको बताना है इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन सी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं. जितने भी ऑप्शंस दिए गए एयर, आयरन, आपको इनमें से बताना है एग्जॉस्टेबल कौन सी है, इन एग्जॉस्टेबल कौन सी है, रिन्यूएबल कौन सी है और नॉन रिन्यूएबल कौन कौन सी है. नेक्स्ट है व्हाट हैव यू लर्न्ड. अभी तक हमने क्या सीखा. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट. सोसाइटी और एनवायरमेंट में क्या रिलेशन है. आइडेंटिफाई कॉमन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करने में. आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया. अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.